channel. This is Zareen Omar and welcome back to my kitchen. अच्छा जी, अफ्तारी का टाइम है और मैं जिस दिन खुद अफ्तारी में कुछ बना रही होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ. तो आज भी कुछ ऐसे ही है, मैं किचन में आई हूँ और कुछ बना रही हूँ. असल में हमारे यहाँ ये होता है कि सब एक एक डिश बना लेते हैं तो किसी पर लोड भी नहीं पड़ता और सबकी इबादत और सबके जो काम हैं, जॉब पे भी जाती हैं मेरी बहनें, तो सब अपने काम से भी बैठ जाती हैं और फिर उसके बाद हम अफ्तारी बनाते हैं. तो मैं बना रही हूँ आज पराठा रोल, यानी कि चटनी पराठा चिकन रोल. तो उसके लिए सबसे पहले पराठे की डो बना लेते हैं. तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ये मैंने 2 कप आटा लिया है और 3 कप मैदा लिया है और बस मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा नमक डाल के और उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसको बस मैं गूंथूंगी ताकि इसको हम जब तक बाकी सारी चीज़ें तैयार करूंगी तो इतनी देर में ये आटा सेट हो जाएगा. और आप लोग बताएं रोजे कैसे चल रहे हैं. मतलब हर साल ये होता है कि हम हर साल अब ये होने लग गया कि रमजान इतनी तेजी से गुजर रहा होता है और हम कह रहे थे कि यार अभी तो रोजे शुरू हुए थे और अभी से रोजे खत्म हो रहे हैं. तो आज भी अब भी इस साल तो मुझे लगता है और ज़्यादा तेज़ी से गुजारा और इस साल ज़रा मौसम भी अच्छा रहा है कराची में, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही गर्मी होती है, लेकिन इस साल काफ़ी मौसम ठीक रहा है. और आज भी मैं बाहर गई हुई थी अभी तो मैंने देखा कि बाहर अच्छी हवा चल रही थी. वैसे कल बहुत गर्मी थी, अब गर्मी भी होगी ज़ाहिर है. तो बस मैं जल्दी से ही आटा गूंथ, अब चटनी तैयार कर रही हूँ. तो उसके लिए हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च ले रही हूँ. मैं ये पुदीना, धनिया, हरी मिर्च सब इसमें डालूंगी. इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी और इसमें थोड़ा सा नमक और ये चटनी इसमें. अच्छा जी, अब मैं चिकन बना लेती हूँ. लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके अलावा रेड चिली पाउडर, नमक, इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया, इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ जीरा, भुना हुआ और गरम मसाला, इसमें जाएगा सिरका, थोड़ा सा तेल, ये चटनी 2 टेबलस्पून, इसे मैरिनेट करके रख दें अगर थोड़ी देर 15-20 मिनट, लेकिन मैं जल्दी से पका लूँ. चले जी, जब तक चिकन हमारी पक रही है मैं इतनी देर में चने तैयार कर लेती हूँ. उसके लिए आज थोड़ा सा चेंज चने बनाते हैं, इसमें हम योगर्ट नहीं डालेंगे. और उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑयल लेंगे, थोड़ा सा 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल के अब इसमें मैं इसमें से ये अनियन, टमाटो और मिर्च मैंने काट के रखी हुई है, 1 मिनट में और ये मैं इसमें से थोड़ी सी हाफ जो है ना डेकोरेशन करूंगी प्याज की और हाफ जो है ना मैं इसमें तेल में डाल. यही रहते हैं, थोड़ा सा हम सौते करेंगे. वैसे आसानी यही होनी चाहिए कि ऐसी रेसिपीज बनाएं जो झटपट से बन जाए ताकि टाइम भी ज़्यादा ना लगे और हेल्पर्स की भी इतना लोड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सबके माशाल्लाह रोज़े होते हैं तो बस उनसे भी कम कम काम करवाना चाहिए. तो हम तो ऐसे ही करते हैं, खुद ज़्यादा लगे होते हैं उनसे ज़रा कम काम करवाते हैं. तो ये हमने इसमें अनियन वो कर ली है और अब इसमें हम चने ये डाल देंगे, ये आलू भी मैंने काट के बॉईल कर लिए थे और ये भी हमने इसमें डाल दूंगी.
इसमें अब मैं डालूंगी चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च, हाँ बस। इसमें थोड़ा सा नींबू, ग्रीन चिली और थोड़े से टमाटर, ये डाल के बस मिक्स कर लेंगे। और पापड़ी और चाट मसाला, इमली की चटनी अलग रख देंगे, जिसमें डालनी है वो डालें। यहाँ मैं रखूंगी मिर्चन, ही हमारे तैयार हो गए। इसमें फिर ये प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सब हम इसके अंदर डालेंगे। ये जी हमारी चटपटी सी मजे की चाट तैयार हो गई। अब इसमें इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी, दही और पापड़ी सब साथ रख देंगे, जिसको जो डालना हो वो डाल देंगे। तो ये रही हमारी चटपट सी चाट। मैंने जल्दी से पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं, तो सबसे पहले बस इस पे पराठे बनाना तो सबको आते हैं, सिखाना तो नहीं, लेकिन मैं बचपन से बता रही होती कि मैं कैसे बना रही हूँ। चलिए जी, इसको थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे। हम लेंगे पराठा और इसके ऊपर हम सबसे पहले डालेंगे चटनी। इसमें मैंने थोड़ा सा दही भी मिक्स कर लिया था और इसमें फिर हम ये डालेंगे चिकन। ये जी जनाब, मेरे चिकन चटनी रोल तैयार हो गए हैं। भी जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसे बने हैं। तो बस आज की ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो बस अब अफ्तारी का टाइम होने वाला है और मैं जाके जल्दी से दुआ मांगती हूँ। आप लोग भी दुआ मांगिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।